बात मुद्दे की है, एक बार प्लान देखने के बाद हर व्यक्ति तुरंत रीडी नहीं देता, क्यों? उसके कुछ सवाल होते, उसको डर होता है, हैं? वो भाग गई थी कि ये भी ना भाग जाए। हेलो, जिसकी पहले से तीन तीन भाग रखी हो कंपनी, उसको आप चौथी के लिए मोटिवेट कर रहे हो, तो कुछ तो उसका वो चेक करेगा, आगे पीछे बैकग्राउंड क्या है, अब तक का क्या रिकॉर्ड है, कितने दिन से एक जगह टिकी है, है? Yes. उसका अधिकार है कि नहीं? Yes. और उसके सवालों के जवाब देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? Yes. कई लोग थक जाते हैं, नहीं सर इतने दो बार चक्कर कटवा ले, अरे दो बार क्या, वो 20 बार भी कटवा सकता, डर बड़ा है ना उसका, धीरे धीरे निकलेगा। और हम अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं? yes. तो 20 बार नहीं, अगर वो 200 बार भी बुलाएगा तो हम जाएंगे, जाएंगे? yes. हमारा एक ही धर्म है, एक बार जिस बंदे को हमें प्लान दिखा दिया, हमने प्लान दिखा दिया, yes. उससे फिर मिलते रहना है, yes. क्या करना है, क्या करना है, उसकी डीडी आ जाएगी। मिलते समय एक बात ध्यान रखनी है, प्लान दिखाने से पहले आप भूल जाओ तो चलेगा, प्लान दिखाने के बाद डिग्री लेनी है तो एक काम जरूर करना, जब भी मुलाकात हो मुस्कुराते हुए मिलना। हे, आपको कहीं बिजी हो, ध्यान नहीं है इधर उधर, और वो आ रहा है और आपको ध्यान, तुरंत ध्यान करना, हंसी नहीं आ रही, खींचना है, डीडी आ जाएगी। आपकी एक मुस्कुराहट उसके 1000 सवालों का जवाब है। हर आदमी खुशी चाहता है और वो ढूंढता है, उसे मिलती नहीं है लेकिन कहीं, और उसे लगेगा ये मुस्कुरा रहा है, चलो इसी के साथ हो लेते हैं। पहले तो जिंदगी को जान ही रहा है, उसकी भी ऐसी, हमारी भी ऐसी, बोला आजकल बहुत हंस रहा है, और पता है उसको ये क्यों हंस रहा है, क्योंकि इसकी जिंदगी में सेफ शॉप आ गई है, अब मैं भी ले आता हूं। हेलो, यहाँ लोग हंसते कि नहीं हंसते? yes. इतनी ताली आदमी ने जिंदगी में कभी नहीं बजाई होती, इतनी एक मीटिंग में बजा जाता है, हैं? yes. तो खुशी में तो बजाता है, yes. तो इसलिए आपको ये जाहिर भी करनी है। कई लोगों का क्या है, प्लान दिखाने के बाद ऐसा मुंह बना लेंगे जैसे नानी मर गई है, क्या जुड़ा नहीं, फिर चक्कर कटवाएगा। आज पता नहीं क्या पूछेगा, अरे क्या क्या, वो राष्ट्रपति की डेट ऑफ बर्थ थोड़ी पूछेगा, है? क्या पूछेगा, यही पूछेगा भागेगी तो नहीं, दो नहीं बने तो, इतना पैसा कहां से आता है? हेलो, और बता सको तो ठीक है, नहीं तो बोला ओए यही मिलियो, कल अपने प्लान को लेके आऊंगा, असली मैया का लाल है तो उससे पूछियो। और पकड़ के ले जाओ अगले दिन विद्युत जी को, है ये पूरा विद्युत की तरह ही करते हैं उसका काम। हाँ जी, एक से एक दमदार अपलाइन आपके पास है, आप ले जाओ किसी को। एक मेरे अपनी जिंदगी में सूत्र सीखा, आपको बता रहा हूं, कई लोग पूछते हैं सर फॉलोअप कब तक और कैसे, क्या ये वो फलाना ढिकना, एक लाइन है, एक बार जिस बंदे को प्लान दिखा दिया उसका फॉलोअप करते रहना, कब तक, जब तक जुड़ नहीं जाए तब तक, यानी तो मर नहीं जाए तब तक, बात खत्म। उसको जुड़ना ही पड़ेगा, पैसे को देख के आएगा, इज्जत को देख के आएगा, विदेश यात्रा को देख के आएगा, बोलेगा ये सब मोह माया है, बोले ये कहां पढ़ा था, बोले मैंने गीता में पढ़ा था, तो गीता लेके आ जाए, गीता भी आ गई हमारे। तू जो सोचेगा हमारी कंपनी वही लाएगी, सन्यासी भी होना तो ढंग से बोले ना फिर। हेलो, कंडीशन एक ही, मिलते रहना, कब तक जुड़ने जाए तब तक, यानी तो कितने लोग बोलते हैं इतना इरादा है सब पक्का मिलते रहे, पक्का कब है, भागोगे तो नहीं, वेरी गुड, आपका काम दमदार चलेगा। विद्युत जी खड़े हो गए हैं, हाँ जी, काम दमदार करने के लिए आपको चार टाइप के डिसीजन लेना जरूरी है,
पहला डिसीजन है आपको मेंटल डिसीजन लेना पड़ेगा, दिमाग से आपको मानना पड़ेगा इस बात को कि मैं डायमंड हूं। रात को सोते टाइम में भी अगर कोई आपकी बीवी भाई बहन कान में आके बोले आई एम, तुरंत जग के डायमंड, आवाज ऐसे आनी चाहिए। ये तब होगा जब आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाए। ऐसा कर सकते हैं। दूसरा फिजिकल, कई लोग दिमाग से तो बोलते हैं आई एम डायमंड, वो घर से कहीं हिलेगा नहीं प्लान दिखाने के लिए, जाएगा नहीं कहीं फॉलोअप पे, खुद ही अड्डे बना रखे हैं, आ जाना ठिकाने पे, उधर ही बुलाएगा सबको, यही फॉलोअप करेंगे यही। अरे तुझे कहीं जाना भी पड़ेगा भाई, मैं आया ना दिल्ली से यहां तक चल के, आया कि नहीं? Yes. और मैं बोल देता आ जाओ इधर ही मथुरा वृंदावन राधे राधे, आधे भी नहीं आते वहां। तो मैं ही आ गया यहां। कैसे आया? 5 बजे जगा, ठंड लग रही थी, तो क्या हुआ है? गाड़ी में बैठा, फिर यहां आया, हावड़ा पहुंचा, ट्रेन में घुसा। छोड़ो, फिजिकली नहीं मेहनत करेंगे कैसे होगा है? आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे, स्टेशनों पे जाना पड़ेगा, बसों में जाना पड़ेगा, जेल वाली दाल रेलवे की पीनी पड़ेगी। कई लोगों को यह सौभाग्य नहीं मिला होता है कि जेल में क्या होता है, तो रेलवे की दाल पी लो, यही मिलती है। फिजिकली जब तक कष्ट नहीं उठाओगे आपका जीवन बदलने वाला नहीं है, उठाना ही पड़ेगा। रेडी हो? यस। घर घर जाना है, लोगों से मिलना है, लोग दरवाजा मारेंगे, कोई फोल्डर फेंकेगा, कोई कल बुलाएगा, तो उस समय क्या दिल पिचक जाता है। तो इमोशनली मजबूत रहना है। हम एक उम्मीद लेके जाते हैं, मेरा बचपन का दोस्त है, मेरी बात मान लेगा, और दोस्त एकदम ऐसा रिएक्ट करता है, फिर गाना याद आता है, दोस्त दोस्त है? तो ये बिजनेस इमोशनल होने का नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग रहना है। दिल टूट जाएगा आपका, टेंशन नहीं लेना, फेविक्विक संग रखना, असेंबल करना, चिपकाना, फिर काम पे निकलना। रेडी हो? लोग हैं, लोग बोलते हैं कभी अपलाइन कुछ बोल देगा, कभी डाउनलाइन कुछ बोल देगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, लोग हो जाते हैं इमोशनल एकदम से, और डिसीजन ले लेते, छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाऊंगा, ये कर लूंगा, घर बैठ जाऊंगा, इसके संग काम नहीं करूंगा। क्यों? दिल तोड़ दिया। अरे ये तो ध्यान रख भाई, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूटता रहता है। तो क्या करना है? फेविक्विक संग रखनी है, दिल को असेंबल करो, चिपकाओ, चलो काम पे। रेडी? यस या नो? चौथा है डिसीजन स्पिरिचुअल। जब आपको लगे कि अब बहुत हो गया सर, अब तो काम हो ही नहीं रहा सर, अब तो कोई संग चल ही नहीं रहा सर, होगा कि नहीं होगा, तब ध्यान करना, जब कोई साथ नहीं तब ईश्वर साथ होता है। ये मत सोचो कि कौन आया कौन गया, ये सोचो मैं क्यों नहीं गया अभी तक इस कंपनी से, मैं अभी भी पॉजिटिव क्यों हूं। कोई तो आने वाला है जिसकी एंट्री मेरी जिंदगी में होगी और रिकॉर्ड बनेगा। ध्यान रखना इस बात का, जिंदगी में जब फ्रस्ट्रेशन हो, जब लगे कि मैं निराश हो रहा हूं, एक ही लाइन बोलना, जब ईश्वर मेरे साथ हो तो कौन मेरे खिलाफ हो, कौन मेरे खिलाफ होगा। जरूर होगा, आपको भरोसा है? Yes! हम इंसान हो गए, इंसान की मेहनत नहीं रखते, क्या वो भगवान हो गया हमारी मेहनत को रखेगा? No! नहीं रख सकता, आपको मेहनत दिल से करनी, करेंगे? Yes! कितने लोग बोलते हैं आज 4 डिसीजन ले लेंगे पक्का? Yes! होगा? Yes! 4 के 4 डिसीजन पक्के? Yes! काम तगड़ा होने वाला सब आपके साथ। जब आप फील्ड में जाओगे सर, तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, और जैसे लोग मिलते फिर हम वैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमें लोगों के हिसाब से रिएक्ट नहीं करना, हमें सच्चाई को समझना है। लोग तो लोग हैं, कुछ लोग मिलेंगे आपको वो होंगे हैप्पी सिंह, बड़ा ना सर आप ही की बात मान रहे, एकदम हंसते हुए,
उनके पास आप जाओगे तुरंत आपको बोलेंगे भालो भालो, चाय कॉफी खा लो, समोसा टीडी आप बोलोगे एक, वो बोलेगा तीन नहीं लग सकती, बीबी बच्चा सब ज्वाइन कराओ सबको। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? एक डीडी लेने गए थे और वहां से तीन चार मिल गई, ऐसा किसके साथ हुआ? सबके साथ हुआ। ऐसे लोग मिलते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो जाता, काश की दुनिया सब ऐसी हो जाए। लेकिन सब ऐसे है नहीं, कुछ आपको मिलेंगे रोते हुए, वो बोलेंगे वो भाग गई, भाग गई, उसमें से 30,000 लगाए थे, और रोएगा बेचारा वो भाग गई, ये भाग गई, ये हो गया, वो हो गया। हम क्या कर सकते हैं? दुखी है बेचारा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जाने वाले को कौन रोक सकता है? जो गई थी वो गई, हमारी तो टिकी है भैया, हमारी को क्यों भगा रहा है? इसको सांत्वना दो, भगवान से प्रार्थना करो, निकल लो। तीसरे कहीं मिलेंगे आपको एकदम खतरनाक गुस्से, इनको जैसे ही आपने प्लान दिखाया और भाग जा मेरे घर से, बंद बंद कर लिए, बंद कर, ऐसा डंक मारेगा ये, इसका डसा हुआ साला ग्लूकोज डाउन कर दे, पीला पीला दिखने लगे आपको, ऐसा लगे अब तो छोड़ दे कंपनी भाई रे, खतरनाक है ये, एकदम कोबरा। एक टाइम पे ऐसा लगेगा आप क्या करो, कुछ नहीं अप्लाई को फोन कर लेना, क्योंकि ऐसे कोबरे बहुतों को उसने सेंटर में किया है, लोग हैं, क्योंकि अपलाइनों को पता है, वो SW5 रूल के बारे में जानते हैं, संबिल कम यस या नो। कुछ लोग आएंगे आज सिल्वर लेवल के लोगों से हॉल भरा है, 500 सिल्वर लीटर यहाँ पे बैठे, 500 सिल्वर लीटर बैठे, आज यहाँ पे 500 लीडर्स बैठे हैं, जिसका मतलब क्या, सब वेलकम, यस या नो। अगर कोई नहीं आता तो ये कहां से आ गई सब पब्लिक, इसका मतलब लोग आते। दूसरा संबिल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, मां गुरुजी श्री विजयपाल सर को फॉलोअप पे ले जाओ, स्वयं माधव सर आ जाएं, वो फिर भी नहीं आएगा, वो बोलेंगे मैंने ऑडी लिए, मैं क्या करूं, 8,00,000 आते तो क्या हुआ, प्रॉब्लम कंपनी में नहीं उसकी कुंडली में है, शनि बैठा है, वो नहीं आएगा। सो व्हाट, अगर उसने वोट मोदी जी को नहीं दिया तो उनकी सरकार नहीं बनी क्या? सो व्हाट, उसने एप्पल नहीं लिया तो क्या कंपनी बंद हो गई क्या? अरे साला तूने मर्सिडीज नहीं ली तो क्या कंपनी नहीं चल रही? सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता, तू नहीं आएगा तो सेम सॉन्ग नहीं चलेगी, मैं डायमंड नहीं बनूंगा साला पढ़ूंगा कैसे रहेगा? नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ध्यान रखो संबंधित बेटे, हेलो, कोई अगरबत्ती भी लगा रहा है, हे प्रभु एक मौका दे दे, और जैसे ही सेम सॉन्ग लगेगा महागुरु जी प्रणाम, आप मेरी जिंदगी में, बोलेगा गुरुजी आप बैठे रहो आशीर्वाद तो साला दीदी, समर इज वेटिंग, यस या नो। तो याद रखना सो स्टार्ट वर्क, काम को स्टार्ट वर्क, स्टार्ट वर्क,
काम को जारी रखना, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, 100% डायमंड बनेंगे दोस्तों, 100%। अगर आपने ये बताई हुई बातों को, एक एक चीज को याद रखा और आपने अच्छा से अगर इन चीजों का पालन किया, तो इस मंच के माध्यम से मैं यकीन दिलाता हूं, जो जिंदगी आज मेरे पास है, अगला नंबर आपका, आप सबके पास वो जिंदगी आने वाली है। सोलह साल से लगातार फील्ड में रहकर के काम किया है, कर्म को महत्व दिया है, आज भी कर्म कर रहा हूं, दमदारी के साथ में खड़ा हूं, मेरे पूरे डायमंड, रेड क्लब, रूबी, एमराल्ड सब एक एक लीटर हमेशा आपके साथ इसी जिंदा दिली से तैयार रहेगा कि आप सब तैयार हो। हमारा मकसद, हमारा इंटेंशन एक ही है, इस टीम को दुनिया की नंबर वन टीम बनाना, आप साथ हो। इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे, जब लोग साला हमारे एम्पायर को देखेंगे तो उनकी टोपी गिर जाएगी, इतना बड़ा काम करके दिखाना। दोस्तों, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, एक एक बात को आप लोगों ने बारीकी से समझा, बड़े जिंदादिली से, बड़े जोश जुनून के साथ, इतने दमदार ऑडियंस, इतने दमदार ऑडियंस नहीं कहूंगा, एक एक स्पार्टन्स है, एक एक योद्धा है, और ऐसे दमदार योद्धाओं के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आज अगर मैं इस हॉल से, इस मंच से नीचे जाऊं, उससे पहले मैं एक ही प्रार्थना करता हूं परमात्मा से, अगर वो आज मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, मुझे खुशी देना चाहता है, तो मैं उस ईश्वर से बोलता हूं, इस हॉल में बैठे हुए एक एक बंदे को डायमंड बना देना, करके दिखाओगे, इतिहास बनाओगे, काम नहीं साला, आज के बाद कॉम्पिटिटर की चेहरा याद रखना, इतिहास बनाने के लिए दौड़ना, रेडी है? अब न दिन देखना, रात देखनी है, कंपनी इतना बड़ा डिसीजन ले चुकी है, एक तारीख के बाद साला हम 52 लाख के प्लान में एंटर करने वाले हैं, हम वो समय ला देंगे, ताला लगा देंगे, ताला दूसरी कंपनियों पे, बात करते काम की साला, 100 रुपया खर्च करके, 100 छोड़ तू 75 रुपए के हल्दी के पैकेट को लेके 52 लाख कमा सकता है। मैं बता रहा हूं, 1 तारीख के बाद, अब से पहले रिपोर्टिंग आती थी, इतने की लिस्ट है, इतने प्लान, इतने फॉलोअप, इतने साइनअप, इतने डायरेक्ट, छोड़ जितनी लिस्ट उतनी टीडी, उतनी डीडी, एक भी ना नहीं होगी, ऐसे में और हम सब लोग इतिहास बनाने वाले हैं दोस्तों, बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। आप लोगों के बीच यूं ही आता रहूंगा, मिलता रहूंगा, जुलता रहूंगा। 26 तारीख को आपके टाइगर आ रहे हैं सारे के सारे, प्लानिंग मिलेगी 26 तारीख को जबरदस्त वाली। 16 को आप सब टारगेट करके आइए, दिल्ली में मुलाकात होने वाली आप सब लोगों से, और दोस्तों इतिहास बनाया है इस टीम ने, आगे भी बनाएगी। मैं ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड एम। आगे की कार्रवाई के लिए जोरदार तालियां निभाई मित्र जी। बहुत खुश है और इतिहास लिख के दिखाएगा, ये सब ऐसा।
सी बात करती जाए महावीर जी, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ज्यादा जाना जाए तो मालदा का नाम जरूर जाना जाएगा। यस सर, बेंगलोर का नाम जरूर जाना जाएगा। यस सर, रिवर्स स्कीम का नाम जरूर जाना जाएगा। यस सर, सबका नाम जरूर जाना जाएगा। यस सर, इसी का बीच इतिहास लिखने के लिए उस दमदार लीडर है हम लोग के पास, जो काम चलते चलते चार वीक में टारगेट क्वालिफाई किया, पांच वीक में टारगेट क्वालिफाई किया। जानना चाहते हैं? Yes! मिलना चाहते हैं उससे? Yes! बस अपने जगह पर खड़ा होकर जोरदार करताली से स्वागत कीजिएगा उसको। तनुश्री मैडम जी एंड सुदीप्ता सर, प्लीज वेलकम द स्टेज। एंड तनुमाई गुप्ता जी, प्लीज वेलकम द स्टेज। सर जी और मैडम ने चार वीक में टारगेट क्वालिफाई किया, सिर्फ चार वीक में बहुत बड़ा काम किया। ये सर हो आप लोग चाहते हैं क्या? ऐसे ताली से मिलेगा नहीं, जबरदस्त ताली होना चाहिए इसके लिए। जबरदस्त 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 नहीं है, जबरदस्त ताली होगा। करवाई गुप्ता जी, करवाई गुप्ता जी, और आशीर्वाद देने के लिए